हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे आज का युवा इतना क्रोधी, इतना आक्रामक क्यों हो गया है। क्या है रूट कॉज डायबिटीज का, हाई ब्लड प्रेशर का, ओबेसिटी का। इसके अलावा जो पेरेंट्स अपने बच्चों की हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो इसका भी क्लू आपको इस वीडियो में मिलेगा, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो वीडियो से बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जिस किसी ने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन की बेल को ऑन कर लें, ताकि आने वाले समय में जब भी हम वीडियो डालें वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर रिचा वार्ष्णेय संभव नेचर के हॉस्पिटल लखनऊ से स्वागत करती हूं आप सभी का घर बैठे चिकित्सा कार्यक्रम में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंसोम्निया की। इंसोम्निया से पहले हम बात करते हैं क्यों जरूरी है नींद आना। नींद ना आना वो तो बात की बात है, पहले तो हम जानें कि नींद क्यों जरूरी है। यदि नींद हमारी पूरी नहीं होगी तो हम क्या क्या चीज़ें खोएंगे। सबसे पहले जो रिसर्चेस बता रही हैं कि जो डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, उसका जो रूट कॉज है वो इंसोम्निया है। यदि हम ढंग से सोएंगे नहीं, नींद हमारी पूरी नहीं आएगी, तो ये सारी चीज़ें जो आगे चल के जो कॉम्प्लिकेशंस, जो मेटाबॉलिज्म की गड़बड़ी हो जाती है, हमें जो रूट कॉज में आता है वो यही है कि आपकी जब नींद पूरी नहीं होगी तब ये बीमारियाँ आपको घर कर लेंगी। इसके अलावा जो हाइट की मैंने बात करी थी कि जो हाइट इंक्रीज करने के लिए जो चाहते हैं पेरेंट्स कि हमारे बच्चों की हाइट बढ़ जाए, तो इसका भी जो रूट कॉज है ना वो इंसोम्निया है। इंसोम्निया, आप कहेंगे बच्चे तो सोते हैं लेकिन कैसे सोते हैं। आजकल माएँ सोने कहाँ देती हैं बच्चों को, सुबह सुबह 5 बजे उठा लेंगी क्योंकि स्कूल जाना होता है। पहले के समय में क्या होता था, 10 बजे से स्कूल होते थे, लेकिन आज के इस माहौल में ना मदर सोने देती हैं ना फादर सोने देते हैं। मदर घर की जो उठा देती हैं बच्चों को क्योंकि स्कूल जाना होता है, क्योंकि 6:15 उनकी बस आ जाएगी बच्चों को लेने के लिए कॉन्वेंट एजुकेशन में, तो 5 बजे बच्चों को उठा देना है। नींद में है बच्चे, नींद में ही सोते सोते उनके ब्रश लगा देंगी, टूथपेस्ट बच्चे जो है वो आधा खाएंगे, आधा थूकेंगे, आधा उनके मुँह में अंदर चला जाएगा। नींद में ही है, बैठा दिया जाएगा नला दुला के बस में, बस में भी सोते सोते स्कूल में पहुंचेंगे। जब 9:30-10 बजे के बाद जब लंच ब्रेक होता है तब वहाँ पे बच्चे को भूख लगती है। बच्चा जो उसको घर से खाना लाया होता है वो वहाँ पर तब खाता है, तब उसे वहाँ पर प्रेशर होता है। किसी भी स्कूल में इतने टॉयलेट्स नहीं होते हैं कि हर बच्चा जब उसको प्रेशर लगा है तो वो चला जाए, तो कभी ना हाइजेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ गंदे होते हैं, या बच्चे चाहकर भी नहीं जा पाते हैं, या बहुत शॉर्ट टाइम के लिए इंटरवल होता है तो वो दबा के बैठ जाएंगे, तो उसी में एसिड रिफ्लेक्स हो जाएगा, पेट गड़बड़ा जाएगा। जो रूट कॉज है, जो शुरुआत होती है घर से होती है, तो गड़बड़ी यहाँ से, मेटाबॉलिज्म जो गड़बड़ी है वो यहाँ से शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं बड़े बच्चों की। बड़े बच्चे क्या करते हैं, लेट नाइट उन्हें पढ़ना होता है, और पढ़ने के लिए भी एक दो स्टिमुलेंट्स वो साथ में रखते हैं। एक तो वो कान में वो कुछ लगा के बैठ जाएंगे, कुछ बच्चे, सभी तो नहीं लेकिन कुछ बच्चों के कान में कुछ लगे स्पीकर्स लगे होते हैं, म्यूजिक सुन सुन के वो पढ़ रहे होते हैं। कुछ सामने टीवी वगैरह भी चल रहा होता है, कुछ ड्रिंक्स भी साथ में रख लेंगे, चाहे कॉफ़ी है जो भी, जिसको जो पीना होगा। तो ऐसे स्टिमुलेंट्स के साथ में जो लेट नाइट वो पढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर है, उन्हें एक बायोलॉजिकल क्लॉक है। समय से उठना, समय से जागना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब आप रात में लाइट जला के पढ़ेंगे तो शरीर को ये नहीं पता कि अब रात हो गई है कि दिन हो गया है, वो वैसे ही वर्क करेगा जैसे दिन के समय में करता है। नींद में क्या होता है कि हम सोना क्यों ज़रूरी है, नींद में हमारा जो शरीर है वो फिर से, जितनी भी सेल हैं वो फिर से रिजुविनेट करती हैं। रात के समय में हमारे पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होता है जो कि अच्छी नींद के लिए जिम्मेदार है, लेकिन जब रोशनी में, शरीर को नहीं पता, वो आर्टिफिशियल लाइट है,
वो सोचेगा क्योंकि नींद के लिए अंधेरा बहुत जरूरी है, इसलिए कहा गया कि बेडरूम में कुछ फालतू की चीजें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल रोशनी नहीं होनी चाहिए, कोई टीवी वगैरह देखना या कुछ मोबाइल का रखना कुछ भी नहीं। सुकून की नींद बहुत जरूरी है, डार्क रूम होना चाहिए। लेकिन रात में जब आप लेट नाइट्स पढ़ रहे हैं तो शरीर को तो नहीं पता क्योंकि वो आर्टिफिशियल लाइट की तरह से, तो जो मेलाटोनिन बनना चाहिए जो कि अच्छी नींद के लिए, सुकून की नींद के लिए जिम्मेदार है, जब आप लेट नाइट तक जगते रहेंगे तो मेलाटोनिन जो हार्मोन है वो ठीक से नहीं बनेगा, तो अगला दिन आपका बेचैन जाएगा, आप बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई है। और एक दूसरा हार्मोन जैसे सुबह होती है कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ने लगता है जिससे कि हमें भूख खुल के लगती है, तो यानी कि रात में मेलाटोनिन हार्मोन का बढ़ना और सुबह के समय में कॉर्टिसोल, तो इनका बैलेंस बहुत ज़रूरी है एक अच्छी नींद के लिए। यही रूट कॉज, यदि जहाँ पर भी इम्बैलेंस हो जाएगा, बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो जाएगी, तो तमाम बीमारियाँ, अब वो चाहे डायबिटीज़ के रूप में हो, हाई ब्लड प्रेशर के रूप में, क्योंकि नींद पूरी नहीं होगी तो इस वजह से भी हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, और ओबेसिटी, बहुत से कारण है जो रूट कॉज में आता है। तो यही कि नींद यदि आपकी अच्छी है, तभी तो कहते हैं छोटा बच्चा जो न्यू बॉर्न बेबी है क्यों उसको 18 घंटे सुलाया जाता है, नींद बहुत ज़रूरी है एक एज के हिसाब से। ये सच है कि ओल्ड एज में नींद हमारी कम हो जाती है, लेकिन नींद बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, जिस नींद की हम बात कर रहे हैं कि सोना बहुत ज़रूरी है, वो नींद की बात है कि आप साउंड स्लीप सोएं। ज़रूरी नहीं है कि आपको 8 घंटे सोना ही सोना है, हो सकता है आप 6 घंटे 4 घंटे की नींद में ही इतने तरोताज़ा हो, इतने फ्रेश हो जाएं सो के, तो डिपेंड करता है कि वो नींद, उस नींद की बात कर रहे हैं साउंड स्लीप की। अब आप कहेंगे कि मैम अब तो सब गड़बड़ हो गया है, हमारी तो रूटीन ही डिस्टर्ब है, अब कैसे नींद को, क्योंकि हमें तो आदत है 1 बजे सोने की, तो कैसे नींद हमें 10 बजे तक आ जाए, कैसे हमारा रूटीन सही हो जाए, बच्चे जल्दी सो जाएं और हम साउंड स्लीप सोएं। जब भी हम सोएं तो साउंड स्लीप सोएं, तो उसके लिए जो मैंने बताया था कि जो आप बेडरूम का इस्तेमाल केवल सोने के लिए करें ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा रोशनी नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल डार्क रूम ज़्यादा अच्छा है, बहुत रोशनी आपकी नींद को डिस्टर्ब कर देती है, तो इसलिए जब भी हो आप सोने के लिए अपने बेडरूम में जाएं, अंधेरा रखें उस जगह पर, बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, अब यदि आपको नींद नहीं आ रही है, बहुत से कारण है, स्ट्रेस की वजह से बहुत से कारण होते हैं, अब एक इसमें अब कारणों पर चले जाएंगे तो जो मेन पॉइंट है उससे छूट जाएंगे, तो कैसे आपको नींद आ जाए, जो तमाम बीमारियां हो गई हैं, ऑबेसिटी हो रहा है, डायबिटीज़ हो रही है, हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, जो कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, उन सबको कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि रूट कॉज जब पता चल गया कि इंसोम्निया है या नींद प्रॉपर ना आना है, तो इसके लिए अब बारी आती है मेरी, यानी कि बींग ए डॉक्टर नेचुरोपैथी फिजिशियन, तो मैं यही रिकमेंड करूंगी कि मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, अरोमाथेरेपी में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है इसका, हमने एक प्योर एसेंशियल ऑयल्स का, बहुत सारे ऑयल्स इसमें शामिल है, एक ब्लेंड बनाया हुआ है, इस ब्लेंड में लेवेंडर है, मार्जोरम है, फ्रिकेंसेंस है, कैमोमिला है, ऐसे बहुत से एसेंशियल ऑयल्स जो कि आपकी नींद के लिए ज़रूरी हैं, साउंड स्लीप के लिए, तो वो सब चीज़ें इसमें डाली गई हैं, सिंपल रोल ऑन है, रात के समय जब सोना चाहते हैं आप टेम्पोरल रीजन में लगा लें, ईयर्स के पीछे लगा लें, लिम्फ नोड्स में, नाक के साइड में लगा लें, नोज में लगा सकते हैं और रिस्ट में भी लगा लीजिए, तो आप देखिएगा कि आप जितना भी स्ट्रेस है वो तो ख़त्म हो ही जाएगा और बहुत अच्छी नींद आपको आएगी, तो ये बहुत हेल्प करेगा आपकी इन चीज़ों में, क्योंकि हमें पता है कि नींद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगला दिन हमारा पिछली नींद पे ही डिपेंड करता है कि नींद यदि हमारी अच्छी है तो अगले दिन हम फ्रेश रहते हैं, तरोताज़ा रहते हैं, दिमाग हमारा काम करता है। इसके ठीक विपरीत यदि नींद हमारी पूरी नहीं होती है तो पूरा दिन हम चिड़चिड़ाते से रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, यदि अच्छी लगे तो ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है, आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट्स में लिखें, नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, कुछ भी आपकी कोई प्रॉब्लम है जिसका आप चाहते हैं अरोमाथेरेपी से या जिस भी एक्यूप्रेशर से ट्रीटमेंट के लिए, तो आप हम कमेंट में ज़रूर लिखिए, और यदि आपका भी मन है इस कोर्स को सीखने का अरोमाथेरेपी का, तो भी आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं।